एफपीसी में और आप सब लोग अवगत हैं। आज हम लोगों का एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। हम लोग की टीआरई अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम हम लोग चरणबद्ध तरीके से घोषित कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने लगभग 16 विषयों का परीक्षाफल घोषित किया और आज भी एक वेबसाइट पर एक आ चुका है पॉलिटिकल साइंस का और आने वाले समय में हम लोग एक दो दिन में सभी परीक्षाफल घोषित कर देंगे। थोड़ा मैं इसकी पृष्ठभूमि में आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। आप लोगों को स्मरण होगा कि जिस समय सरकार ने यह घोषणा की थी कि अध्यापक भर्ती किया जाएगा और यह दायित्व बिहार लोक सेवा आयोग को दिया गया था, तब से लेकर के अब तक कई अवसरों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा कई संदेह और कई प्रश्न चिन्ह भी उठाए गए थे। सबसे पहले तो ये कहा गया था कि आयोग की इतनी क्षमता ही नहीं है, 10 साल में आयोग ने मुश्किल से कुछ हजार नियुक्तियां ही की हैं, तो अब किसी भी हालत में इतनी बड़ी नियुक्ति आयोग नहीं कर पाएगी। उसके बाद पेपर लीक के बारे में भी लोग तरह तरह की संशय करते रहते थे, आशंका व्यक्त करते थे। उसके बाद आए दिन बार बार माननीय न्यायालय का हवाला दे करके भी लोग इसको की परीक्षा तो स्थगित होने ही वाली है। ऐसा कोई दिन नहीं था जब लोग सुबह से लेकर के रात तक लोग इस परीक्षा को रद्द करने पर लगे हुए थे। उसके बाद कई अवसरों पर लोगों को तरह तरह की भ्रांति भी उत्पन्न हो गई, जिसके कारण से लोग कहने लगे कि अपियरिंग कैंडिडेट्स को भी मौका मिलना चाहिए। बाद में सरकार ने उसको मान लिया। उसके बाद नया एक विवाद खड़ा हो गया और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीएड वर्सेस बीटीसी का प्रश्न उठ गया। उस अवसर पर भी कई लोगों ने कहा कि अब तो परीक्षा को पोस्टपोन कर ही देना चाहिए, नहीं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या मानना हो जाएगी। उस दरमियान हम लोगों ने यह भी एक निर्णय लिया था कि चूंकि परीक्षार्थी संशय में पड़े हुए थे, आए दिन परीक्षा स्थगित होने की बात, परीक्षा रद्द होने की बात और तरह तरह के विवाद के कारण से परीक्षार्थी जो थे, अभ्यर्थी जो थे, वो शायद उतनी तैयारी नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण से भी हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा हुआ था कि हम 75% अभ्यर्थी या रिक्ति दोनों में जो कम है उसके उतना तक हम लोग जाने का कोशिश करेंगे और उसके लिए क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स है, वो हम रिलैक्स भी कर सकते हैं। इसको लेकर के भी लोगों ने कुछ लोगों ने कहा कि अब तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या मतलब रह गया जब आप फेलियर कैंडिडेट्स को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब हम लोगों ने जब परीक्षा आयोजित कराई और जो प्राथमिक वाले टीआरटी वाले जब निकल के आए तो लोगों ने हल्ला करना शुरू किया कि ये परीक्षा तो ऑफिसर्स के लिए है, ये परीक्षा तो टीचर्स के लिए नहीं है, फिर सरकार की नियति नहीं है नियुक्ति करने की, ये सब बातें हुई। उसके बाद जब हम लोग ओएमआर शीट नहीं अपलोड कर रहे थे तो लोगों ने उसके लिए मांग करना शुरू किया कि ओएमआर शीट क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। जब ये बताया गया कि कई अभ्यर्थियों ने ओएमआर में अपना रोल नंबर या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या बुकलेट सीरीज गलत लिखा है, उसके हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तब उस पर लोगों ने कहना शुरू किया कि आप लोग ओएमआर में करेक्शन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और तरह तरह की शिकायतें लगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर भी लोगों ने कहना शुरू किया कि क्यों डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे हैं वगैरह वगैरह। एग्ज़ाम में तो लोग कह ही रहे थे कि जब परीक्षा फल ही नहीं देंगे तो परीक्षा कराने का क्या मतलब है, बाराती और दूल्हा की बात भी कह रहे थे। और इन सभी जो ऑब्स्टेकल्स थे, रुकावट थी, उसको दरकिनार करते हुए जब हम लोगों ने परीक्षा संपन्न करा लिया, तब उसके बाद परीक्षा जब सब साफ सुथरे तरीके से हुआ तो लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें इस हद तक बढ़ गई
कि लोग अभी अभी मांग करने लगे कि सीटेट में जो अनुत्तीर्ण हो गए वो करने लगे कि 5% रिलैक्सेशन कर दीजिए, जैसे कि मेरे पास सभी समस्या का समाधान हो, वो भी मेरे ही अधिकार क्षेत्र में लगता है कि जैसे है। या टीआरई में भी लोग पता नहीं कैसे लोग 5% अतिरिक्त रिलैक्सेशन की बात करने लगे। उसके बाद अभ्यर्थी हजार गलतियां करें, सर्टिफिकेट्स में तरह तरह की गलती करें, बोले कि मेरा ये गलती हो गया, मुझसे ये गलती हो गया, मुझे और मौका मिले। और इतनी गलतियों के बावजूद भी जब वो आयोग से ये अपेक्षा करने लगे कि हमको टाइमली रिजल्ट दे दें, और अगर हमें विलंब हो रहा है तो हम भ्रष्टाचारी हैं, अगर हम ओएमआर में विलंब से अगर कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, रिजल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं, तुरंत नहीं दे रहे हैं, चाहे उनकी कितनी भी गलतियां हों, लेकिन हम अगर रिजल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद अब जब अभ्यर्थी इतनी अपेक्षाएं अपनी बढ़ा लिए और आप लोग भी बढ़ा लिए, तो सरकार भी पीछे क्यों रहती? तो सरकार ने भी हम लोगों से ये अपेक्षा किया कि भाई आप रिजल्ट के साथ साथ जिला भी आवंटित कर दें। अब आप देखें कि हमारा काम कितने बढ़ गए।